प्रिवेल हो चुके हैं, आई स्ट्रोक द बीम ऑफ माय लैंप। अब वो अपने लैंप को यूज करेगी, वो कहती है कि मैंने अपने लैंप की जो बीम है उसको स्ट्रोक किया, यानी कि उसको ऑन किया और उसको बेसिकली रैक के ऊपर डाला, स्लोली अलोंग द प्लैंक ऑफ समथिंग मोर परमानेंट, दैट फिश और व्हील। अब यहाँ पे शी इज एबल टू सर्वाइव, बट दिस बुक ऑफ मिथ स्टिल एग्जिस्ट ट्रेडिशन। ठीक है, अब यहाँ पे उसने बीम ऑफ लाइट भी फेंकी है स्लोली अलोंग द प्लैंक ऑफ समथिंग मोर परमानेंट, और उसको फ्लैंग के साथ साथ कोई चीज बहुत परमानेंट भी नजर आई है, परमानेंट डेड फिश और व्हील, जो कि किसकी तरह है, या फिश है या कोई वीड है। अब बेसिकली उसको कुछ नजर आया, उसने अपनी लाइट तो फेंकी, अब उसको कुछ ना कुछ नजर आया। वीड इज द सिंबल ऑफ अंडर वाटर वेस्ट, अंडर वाटर कॉमनैलिटी। ठीक है, क्या वीड बेसिकली अंडर वाटर वेस्ट का सिंबल है, और फिश इज बेसिकली द अंडर वाटर लाइफ। और यहाँ पे ये जो परमानेंट का वर्ड यूज हो रहा है ना, दिस इज द चेंज, द लॉ ऑफ नेचर, सेल्फ सफिशिएंट फोर्स ऑफ नेचर, अ सिंबल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, और एक और वर्ड है प्लैंक यूज हुआ, दिस इज द साइन ऑफ पास्ट, एंड बीम, बीम इज टोटली द सस्पेंस। ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ सस्पेंस, कि वो उसको क्या सस्पेंस था, मतलब उसको वो जो चीज को एक्सप्लोर करना चाह रही थी, उसने अब उस पर लाइट डाली है, उस पर उसको कुछ नजर आया है, और दैट इज समथिंग लाइक फिश और बीड, और दैट इज समथिंग, मतलब उसको कुछ, अब उसने कुछ पा लिया है, तो वो जो है बहुत ज्यादा, अब कोई चीज उसके सामने कुछ प्रोमिनेंट होके आई है, और शी फील्स दैट अदर क्रिएचर्स ऑफ दोज डेज हैड ऑलरेडी डाइड, बट रिमेन्स ऑफ दैट वर देयर। मतलब दूसरी क्रिएचर्स जो सी की हैं वो तो मर चुकी है, लेकिन जो रेड का क्रिएचर, रेड जो है उसका, उसकी रिमेन्स अभी तक वैसे की वैसे ही है। अब बेसिकली यहाँ पे हम एक और चीज भी ले सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे वो गुड क्वालिटीज ऑफ, उसकी बेसिकली इंटेंशन है कि वो गुड क्वालिटीज ऑफ, क्वालिटीज ऑफ पास्ट लाइफ ढूंढने गई है, द गोल्डन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पास्ट वुमेन को ढूंढना चाह रही है। अब शी इंसर्ट्स द लाइट ऑफ हर टॉर्च टू वन साइड ऑफ द लाइट, अब एक साइड से ना वो लाइट के ऊपर इंसर्ट करती है लाइट को, और जो है उसको उसके अंदर कुछ चीजें नजर आती हैं, वो बट डीप लाइन डीप इनटू द वाटर, जो कि डीप वाटर में है, द टाइटैनिक ऑफ ह्यूमन मॉरल, और वो सारे टाइटैनिक हैं ह्यूमन मॉरल्स के। ठीक है, अब इसके अंदर एक दो थीम्स लिख लीजिएगा, ही एट दैट टाइम फील्स द पावर ऑफ वर्ड्स, द अल्टीमेट फोर्स एक्टिंग अपॉन द थॉट, नहीं चाहिए,
मुझे उस आइडेंटिटी को फाइंड आउट करना है, मुझे उस चीज को फाइंड आउट करना है, मुझे उस बेसिकली रैक को फाइंड आउट करना है, मुझे उस मिथ को फाइंड आउट नहीं करना जो उसके बारे में कभी कहा गया या उसके बारे में किताबों में लिखी गई. द ड्राउन फेस ऑलवेज स्टेयरिंग टुवर्ड द सन. और ये जो ड्राउन फेस है, अब उसको उस रैक में क्या मिला है, उसको एक ड्राउन फेस मिला है जो कि स्टेयरिंग टुवर्ड द सन है, यानी कि अभी भी वो सूरज की तरफ देख रहा है. ठीक है, जो रैक जो है उसका एक ब्राउन फेस है जो कि स्टेयरिंग टुवर्ड, यानी कि अभी भी उसके अंदर एक होप है कि शायद वो कभी इस समंदर से निकल के उस दुनिया में वापस जाए. द एविडेंस ऑफ द डैमेज बॉर्न बाय सॉल्ट एंड अवे टू डिस्ट्रॉय देयर ब्यूटी. अब वो कहती है कि मतलब इसके बारे में तो बड़ी कहानियां लिखी गई, लेकिन जब वो समंदर के अंदर गई तो उसने कुछ एविडेंस देखे. द एविडेंस ऑफ डैमेज बॉर्न बाय सॉल्ट, जो कि उसके ऊपर सॉल्ट ने किए, एंड अवे इनटू द थ्रेडबेयर ब्यूटी, और उसकी ब्यूटी को बेसिकली उसने थ्रेडबेयर कर दिया, यानी कि इतनी खूबसूरत औरत को इस मुआशरे ने एक थ्रेडबेयर कर दिया. इस सॉल्ट, ये बेसिकली सॉल्ट है ना, सॉल्ट यहाँ पे ये शो कर रहा है पेट्रियार्चियल सोसाइटी, कि इस पेट्रियार्चियल सोसाइटी ने इस पूरी जो रैक है, इस खूबसूरती को, इस औरत की ओरिजिनलिटी को डैमेज करके रख दिया है. द रिब्स ऑफ डिजास्टर. अगर पता है औरत को कहा जाता है ना, यहाँ पे बेसिकली एक बाइबल में भी लिखा हुआ है कि ये जो, और कुरान में भी लिखा हुआ है कि औरत जो है वो मर्द की पसली से बनी है. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये शो कर रहा है पेट्रियार्ची को, मतलब मर्द की पसली को, कि औरत जो है बेसिकली वो मर्द की पसली से निकली है. उनके हाथों ये मारी जाती है, उनके हाथों ये डेड हो जाती है, उनके हाथों इनकी ब्यूटी खत्म हो जाती है, उनके हाथों इनकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है. ये वो सोसाइटी के बेड़े हैं, ये वो बेयरर्स ऑफ सोसाइटी हैं जो पेट्रियार्चियल सोसाइटी ने या मर्दों ने औरतों के ऊपर इम्पोज किए हुए हैं, यानी कि उनको खुलेआम जीने की इजाजत नहीं है. अब यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है ड्राउन. ड्राउन मीन डिसअपीयरिंग, existing in the other world or overcome by some other dominant force. ठीक है, basically oppressed woman को ये show कर रहा है. और इसके अलावा यहाँ पे ribs का मैंने आपको लिखवा दिया था, बस और कोई इसका कोई खास नहीं है. अच्छा जी, इसमें जो है बेसिकली ये जो फेस जो है ना अपवर्ड टू द सन, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि वो अभी भी उसके अंदर, औरत के अंदर ये करेज है कि वो इस डेप्थ ऑफ सी से बाहर निकल सकती है. ठीक है, और वो जो है अब वो जो शायरा है वो कहती है कि मुझे जो है ये डैमेज और ये इग्नोर्ड वुमन, इसके चेहरे पे वो डैमेज नजर आ रहे हैं, इसके चेहरे पे मुझे वो स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन आज भी ये जो औरत है ना, ये उठने की ताकत रखती है. ठीक है, ये अभी भी चाहे तो अपनी जिंदगी बदल सकती है. बेसिकली यहाँ पे एक होप की भी एक थीम आ रही है, थीम ऑफ होप भी इसके अंदर आ रही है कि औरत अभी भी इमर्ज हो सकती है, यानी कि एट मीन रिच अभी भी होपफुल है कि वो जो वुमन है उसने सन की तरफ फेस किया हुआ है. लेकिन दो थीम है इसके अंदर, एक तो वो वुमन जिसने सन की तरफ फेस किया हुआ है लेकिन ये पेट्रियार्चियल सोसाइटी जो है उसको उस सन तक पहुंचने नहीं दे रही, उस ट्रेडिशन से, उस सी से, उस ओशन से निकलने नहीं दे रही. दूसरी थीम आ गई थीम ऑफ होप की, बेसिकली वो कहती है कि आज भी इस औरत में ताकत है कि वो इस जो ओशन है उससे बाहर निकल के वो अपनी तकदीर बदल सकती है. ठीक है, नेक्स्ट उसमें आते हैं चंद्र 8. दिस इज द प्लेस एंड आई एम हियर. ये वो प्लेस है जहाँ पे मैं हूँ, मतलब अब उसको वो जगह मिल गई है. अब वो कह रही है दिस इज द प्लेस, मतलब मुझे तो वो जगह मिल गई जो मैं फाइंड आउट करने आई हूँ. एंड आई एम हियर, और मैं यहीं पे हूँ. द मरमेड हू डार्क हियर. मरमेड बेसिकली यहाँ पे सिंबल ऑफ फेमिनाइन सुपीरियोरिटी का, कि मैं एक मरमेड हूँ. यहाँ पे अब इस सोसाइटी की बात करिए, उस ओशन की बात करिए, उसमें जाके अब उसका अपना क्या हाल हुआ. द मरमेड हू डार्क हियर स्क्रीम्स ब्लैक, कि मैं वो मरमेड हूँ, मैं वो सिंबल ऑफ फेमिनाइन सुपीरियोरिटी हूँ जिसके
वो डार्क हेयर स्ट्रीम्स ब्लैक, जिसके जो डार्क हेयर्स हैं वो अभी भी ब्लैक हैं, यानी कि वो अभी भी होपफुल है. द मरमैन इज हिज आर्मर्ड बॉडी. और यहाँ पे मरमैन जो है वो बेसिकली सुपीरियरिटी ऑफ मैन को कहती है कि जो मरमैन है इज हिज आर्मर्ड बॉडी, यानी कि वो अपने आप को खुद ही मरमेड कहती है और वो अपने आप को खुद ही मरमैन कहती है. बेसिकली वो बता रही है कि एक औरत अंदर से सिर्फ औरत है लेकिन बाहर से सिर्फ वो औरत है लेकिन अंदर से वो मर्द की तरह स्ट्रॉन्ग है. ठीक है. द मरमैन इज हिज आर्मर्ड बॉडी. वी सर्कल साइलेंटली. और इन दो चीजों के साथ हम औरतें जो है सर्कल करती है, यानी कि उसके कहने का मतलब है कि ये जो औरत है inwardly and outwardly she is very strong. सिर्फ बाहर से देखने में वो औरत है लेकिन अंदर से वो मर्दों से भी ज्यादा पुख्ता है. उसके अंदर बहुत ज्यादा जैसे कहना चाहिए basically अगर वो emotionally weak है लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा उसके अंदर फिर भी आज भी बहुत ज्यादा ताकत है. About the red we dive into the world. I am she and I am he. I am dependent and I am independent. I am he, she stands for dependence. I am he stands for independence. यहाँ पे place जो है this is symbol of separation या symbol of ownership है. उसके बाद mermaid जो है an incarnation of androgyne है, a symbol of encounter or coming cross. उसके बाद मरमैन मैंने आपको बता दिया था सिंबल ऑफ मैस्कुलिन सुपीरियरिटी है. यहाँ पे एक वर्ड है होल्ड, दिस इज सिंबल ऑफ परसिस्टेंस, सिंबल ऑफ ऑनरशिप. और डाइव जो है ना यहाँ पे सिंबल ऑफ करेज है. बेसिकली अब उसने डाइव कर लिया ना और उसने अपनी आइडेंटिटी फाइंड आउट कर ली है. अब उसको अपना इनर सेल्फ उसने फाइंड आउट कर लिया है और वो कहती है कि मैं जो हूँ वो इंडिपेंडेंट भी है और वो डिपेंडेंट भी है. Same time she discovers that she is dependent and independent at the same time. Ab yahan pe she identifies her inner existence with mermaid and outer existence with mermaid. She sees herself and androgyne. Androgyne kise kehte hain? Jo do jun, ek hi insaan ke andar jo do jun hote hain. Uske baad hai, in other words we can say that she is talking about the plight of women. In 20th century, a plight of women की बात करती है जो कि 20वीं सदी में है, where she is so much mentally crippled that she has become a mental androgyne. Her nature is still feminine, but her function has become masculine. अब वो यहाँ पे पता है क्या बात कर रही है? वो कह रही है कि ये जो past की औरत है ना उनकी life हम present की जो 20वीं सदी की औरतें उनसे बहुत अच्छी हैं. हमें जो है हम औरतों की तरह भी काम करती हैं, आज हम मर्दों की तरह काम भी करती हैं. 20वीं सदी की औरत आपको पता है उसने कमाना भी शुरू कर दिया था. उससे पहले की जो ट्रेडिशनल औरतें थी वो क्या करती थी? वो घरों में बैठ के जो है एक सोसाइटी के अंदर वो रहती अपने सारे काम करती थी. एंड उसका ये ख्याल है कि वो औरतें हमसे बहुत बेहतर, कहती है कि ये जो औरतें हैं ना पास की दे वर मच बेटर देन मतलब प्रेजेंट वुमेन. बेशक वो पास में थी, उनको रेड बनाया गया, लेकिन हम अब मतलब ही भी हैं, अब हम शी भी हैं. यानी कि हमें दो दो चीजें, हम मशीनें बनी हुई हैं काम करने वाली, यानी कि हम कमा भी रहे हैं और हम जो है घरों में भी घर भी संभाल रहे हैं और हम बाहर भी देख रहे हैं. अब यहाँ पे भी इस पूरे उसमें जैसे हम पहले हमने पिछले चंदा में दो महीने दो थीम देखी थी ना, यहाँ पे भी हम दो थीम देखेंगे. एक तो पास्ट और प्रेजेंट की वुमेन का आप वो देखिएगा, दूसरा वो पास्ट एंड प्रेजेंट वुमेन का कंट्रास्ट हो गया. और दूसरी चीज हो गई कि औरत जो है उसके अंदर इतनी ताकत है कि बेशक वो आउटर मतलब बाहर से वो बेशक औरत है लेकिन अंदर से वो मर्द की तरह स्ट्रॉन्ग भी है और वो बहुत सारी चीजें अकेले कर सकती है. तो उसने एक स्ट्रेंज नॉलेज ऑफ सेल्फ जो है बेसिकली वो पा लिया उस रैक तक जाती. The poet emerges with a strange knowledge of self. She feels that her function is to beget and she and be begot. Stanza 9. Whose strong face sleeps with open eyes? Whose breast still bear the stress? Whose silver copper vermeil cargo lies? Obscure inside barrel half dead and left to rot. We all the half destroyed instrument that once had to pour. The water eating logs, the folded compass. अब ये पिछली ही स्टैंजा 8 का थोड़ा सा आंसर है. Whose strong face leaves with open eyes?
ये वही रैक है जिसका जो ब्राउन फेस है वो ओपन आईज से सोया हुआ है, यानी कि बेसिकली वो सोया हुआ है लेकिन उसकी आंखें खुली हुई है. Whose breast still bears the stress, और जिसके दिल में अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, यानी कि देखने में वो रैक है.